नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में पंचायत चुनाव के लेकर सरगर्मियां तेज है। सरकार की तरफ से अब तक अपडेट जारी किए जा रहे थे, लेकिन अब जो है पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। बिहार में तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के साथ ही अब पंचायत चुनाव के तापमान में भी गांव की सियासत का पारा जो है अब लगातार बढ़ने लगा है। पंचायत चुनाव को लेकर जहां बिहार चुनाव आयोग लगातार हरकत में है, वहीं गांव में सरकार बनाने को लेकर मतदाता से लेकर उम्मीदवार तक में सियासत तेज हो गई है। पंचायत चुनाव के उम्मीदवार अब अपने दावों और वादों के साथ मतदाताओं के पास पहुंच रहे हैं और उन्हें अपने वादों के साथ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को बिहार निर्वाचन आयोग ने मार्गदर्शिका जारी कर दी है। वह जल्द ही मतदाता को तिथि का भी घोषणा कर देगी, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में जो है बिहार पंचायत चुनाव की दिनांक की घोषणा की जा सकती है। जारी गाइडलाइन के अनुसार मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। वहीं मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को गाइडलाइन से संबंधित पत्र जारी करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अब बहुत जल्द पंचायत लेबोरेटरिंग की तिथि की भी घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरी के पदों के आम निर्वाचन से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना होगा। आयोग ने यह भी कहा है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही राज्यपाल द्वारा तिथि संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन में यह भी कहा है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 36 के प्रावधान के अंतर्गत नाम निर्देशन करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन से संबंधित सूचना जिला परिषद समिति तथा ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी, जिससे नाम निर्देशन के अंतिम तारीख, समय तथा स्थान, नाम निर्देशिका की समीक्षा के लिए तिथि, समय तथा नाम वापस लेने की तारीख का उल्लेख होगा। मतदान की तारीख और समय, मतगणना की तारीख का प्रकाशन बहुत जल्द किया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर भले ही लगातार अपडेट जारी किए जाते रहे हों, लेकिन लोगों के मन में अभी भी यह संशय बरकरार है कि क्या बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर हो पाएगा या नहीं। बिहार सरकार ने कहा है कि वो इस साल पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराना चाहते हैं। इसको राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन पेंच उस समय फंस गया जब ईवीएम खरीद को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के बीच में ईवीएम को लेकर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में अब यह मामला कोर्ट में चला गया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि इस पूरे मामले को आप दोनों मिलकर निपटा लें। इसके बाद बिहार निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि ईवीएम को लेकर चल रहा यह विवाद जल्द समाप्त हो, ताकि बिहार में इस साल होने वाला पंचायत चुनाव जल्द ही इसके लेकर अधिसूचना जारी हो सके। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अगर ईवीएम को लेकर खींचतान जारी रहा तो चुनाव की तारीखों की घोषणा होने में देरी हो सकती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प है कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग कैसे इस पूरे मामले को सुलझाती है। इधर बिहार सरकार के जारी अनुपूरक बजट में पंचायतों के राज विभाग के लिए राशि आवंटन कर दी गई है। बजट में यह भी कहा गया है कि पुराने आवंटन को इस बार चुनाव होने से पहले पूरा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नए सत्र के लिए भी राशि का आवंटन कर दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने नली गली योजना के लिए अलग से पैसे का आवंटन करने की बात कही है। प्रदेश में भले ही दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराया जा रहा हो, लेकिन बीजेपी ने चुनाव को लेकर कमर कस लिया है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पार्टी उनके लिए चुनाव प्रचार करेगी। ऐसे में इस बार का पंचायत चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। बिहार और पंचायत चुनाव से लेकर और भी ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।